हमने लेट किया फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज टी क्या बना टू एक्स प्लस वन डी एक्स इज टी इसको आप टू कॉमन लीजिए टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रूट का मीन्स वन बाय टू डी एक्स ये हमारे पास स्टेटमेंट है ठीक है ये क्या बन गया हमारा डी टी ये टी की वन बाय टू तो हमने लिखे टू टी की वन बाय टू डी टी टी की एन बन गया टी की एन का इंटीग्रेशन क्या होता है टू टी की थ्री बाय टू नीचे भी थ्री बाय टू प्लस टू के ऊपर चला जाएगा फोर बाय थ्री टी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल टू बाय थ्री फोर बाय थ्री हो जाएगा टी की वैल्यू रख दी प्लस इंटीग्रेशन हो गया हमने क्या किया इसको टी पुट किया उसका डेरिवेटिव किया वो पुट किया इंटीग्रेशन किया डी की एन का क्या होता है डी की एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन ठीक है तो वो हमारा आंसर हो गया यहाँ से हम क्या करेंगे रूट एक्स को बाहर ले लेते हैं क्या बन जाएगा रूट एक्स माइनस वन डी एक्स एक्स क्या होता है रूट एक्स का स्क्वायर होता है तो एक पावर को अगर हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा एक पावर रह जाएगा ठीक है तो आप यहाँ से देखिए रूट एक्स माइनस वन को अगर मैं टी पुट कर दूं तो वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी एक्स की वन बाय टू का डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन ठीक है तो ये वन बाय टू वो नेगेटिव है तो नीचे लाके प्लस किया मैंने यहाँ से वन बाय रूट एक्स डी एक्स क्या जाएगा हमारा टू डी टी ठीक है यहाँ इन दोनों को हम लिखेंगे टू डी टी और ये वन बाय टी रूट एक्स माइनस वन को हमने क्या कुछ किया टी वन बाय टी क्या होता है लॉग टी वन बाय टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी अब टी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा टी क्या हमारा रूट एक्स माइनस वन प्लस ठीक है क्या किया हमने एक्स को रूट एक्स का स्केयर पुट किया रूट एक्स को बाहर निकाला रूट एक्स माइनस वन को टी पुट किया वहां से वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स क्या गया डी टी हमारे पास तो वन बाय रूट एक्स डी एक्स था तो टू को हम उधर ले गए इधर से हमारा है 1 by t 1 by t का इंटीग्रेशन log t और t की वैल्यू हमने पुट कर दी ठीक है अब आप पुट कर दीजिए x plus 4 ठीक है तो आप ऊपर में 4 को प्लस कर दिए और 4 को माइनस कर दीजिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एडिंग एंड subtracting for in numerator ठीक है numerator में हम 4 को plus कर रहे हैं और 4 को minus कर रहे हैं क्या बना x plus 4 minus 4 by में x plus 4 की 1 by 2 root को हमने क्या लिखा 1 by 2 यहां से हमारा क्या हो जाएगा ये चीज हम लिख सकते हैं LCM है सेपरेट हम कर सकते हैं ठीक है एलसीएम को हम सेपरेट कर सकते हैं यहां से इसको हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस फोर की पावर वन माइनस वन बाय टू कितना हो जाएगा वन बाय टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर की पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स x की n का फॉर्मूला रह जाएगा x की n क्या होती है x की n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 1 बाय 2 प्लस 1 इज 3 बाय 2 और नीचे का रेसिप्रोकल 2 बाय 3 ऐसे ही यहाँ 4 x प्लस 1 की पावर 1 बाय 2 हो जाएगा जब हम 1 प्लस करेंगे 1 माइनस 1 बाय 2 में और नीचे भी 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल हो के 2
ऊपर आ गया है 4 2 8 + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, 4 में x में 4 प्लस किया, 4 माइनस किया, 4 प्लस किया इसके साथ में लिया, माइनस 4 को अलग लिया। अब ये एलसीएम है, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके इसको ऊपर ले गई। जब दो हमारे मल्टी डिवाइड में है, वेरिएबल दे सेम है, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं, ऐसे ही ये पावर ऊपर चली गई। x की n का इंटीग्रेशन लगा दिया, x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ आप x की 5 को लिख सकते हैं, x की 3 इंटू x की 2, x की 3 माइनस 1 को आप पुट कर लीजिए या x की 3 को पुट कर लीजिए। x की 3 को मैंने t पुट कर दिया, 3x² dx = dt, हमारे पास x² dx है, तो यहाँ से हमारा आ गया x² dx = dt/3। पुट कीजिए आप t - 1 1/3 t dt और 3 को हमने लिया बाहर, ठीक है। इस t में आप सिमिलरली केस कीजिए -1 and +1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, तो क्या बना 1/3 t - 1/3 t - 1, ठीक है। एक प्लस 1 होगा, उसके साथ में क्या हो जाएगा, t - 1 की पावर 1/3 dt। एक बार t - 1 के साथ हमने t - 1 और +1 ऐसे लिखा, और उसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है t - 1 की 1/3 के साथ, तो हम इसको लिखेंगे t - 1 की 1/3 + t - 1 की 1/3, है ना। एक बार इसकी इसके साथ, एक बार इसकी इसके साथ, ये बना। अब 1/3 और 1 कितना हो गया, 4/3, 1/3 t - 1 की 4/3 t - 1 की 1/3, ठीक है dt। अब x की n का इंटीग्रेशन हम लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, 1/3 t - 1 7/3, और नीचे का 7/3 रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा, 3/7 + 4/3 हो जाएगा, 3/4 t - 1 4/3 + 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो जाएगा हमारा 1/7 t - 1 की पावर 7/3, 3/4 t - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। क्या किया हमने, यहां से देखिए एक्स की 5 को तोड़ा, एक्स की 3 को टी पुट किया, वहां से डी टी आ गया। अब अकेला टी रहा, उस टी में हमने एक 1 ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, जो सबट्रैक्ट किया उसको अलग से बना लिया, जो प्लस किया टी माइनस 1 की से मल्टीप्लाई किया और 1 की करी, ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, एक्स की एन का फॉर्मूला लगा दिया, x की n क्या कहते हैं, x की n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, बस आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।